आज की कहानी का टाइटल है गोरी बहू चाहिए। अरे टीना, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, लड़के वाले आते ही होंगे। अच्छे से क्रीम पाउडर लगा ले और तैयार हो जा। मुझे कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाना माँ, उन्हें पसंद करना होगा तो ऐसे ही करेंगे। पसंद ही तो नहीं करता कोई तुझे, वरना कब की शादी हो गई होती। फालतू में पढ़ाई में इतना पैसा बर्बाद किया, उतने पैसे जोड़े होते तो आज लड़के वालों का मुंह बंद कर देते। लेकिन मेरी कोई सुनता ही कहाँ है इस घर में, दादी ने चिल्लाते हुए कहा। माँ प्लीज आज के दिन मत शुरू हो जाओ, टीना के पापा ने कहा। टीना के पापा बहुत ही खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। टीना की पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। टीना का रंग सांवला था, उसके लिए कई रिश्ते आए लेकिन उसके रंग की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था। टीना शांत और समझदार लड़की थी। एमए इंग्लिश से ग्रेजुएट होने के बाद पीएससी की तैयारी कर रही थी। घर के कामों में भी निपुण थी, लेकिन उसका रंग उसकी सभी अच्छाइयों को दबा देता। इस बार बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का भी अच्छी नौकरी करता है। अभी उसके माँ बाप आ रहे हैं तुझे देखने। टीना अनमने मन से तैयार हो गई। वो जानती थी कि इस बार भी उसको रिजेक्शन ही मिलेगा। वही हुआ जिसकी आशंका थी। टीना के पिताजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो हाथ जोड़ते हुए बोल रहे थे कि मेरी टीना सर्वगुण संपन्न है, पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आती है। हम आपकी सभी मांगों को भी पूरा करने को तैयार हैं, आप ना मत करिए। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन टीना का सांवला रंग हमारे स्मार्ट बेटे अनंत के साथ मैच नहीं करेगा। आज के समय की यही सच्चाई है, सबको गोरी बहू चाहिए। लड़के वाले जा चुके थे, घर में सन्नाटा बिखरा था। पापा का उदास चेहरा देखकर टीना से रहा नहीं गया। बस बहुत हुआ, अब आप किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। आज के समय में गोरी लड़कियों को ही सब पसंद करते हैं। बचपन से लेकर अब तक सबकी नफरत का सामना किया है मैंने। क्या काली रंगत वाले इंसान नहीं होते? उनके मन में दिल नहीं धड़कता? क्या काला होना कोई गुनाह है? जीवन में शादी ही सब कुछ है क्या? मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे अभी पढ़ना है, सबको दिखाना है कि काली लड़की भी कुछ कर सकती है। टीना ने दिन रात मन लगाकर पढ़ाई की। 2 साल की कड़ी मेहनत और लगन के बाद पीएससी में चयन हो गया। जो लोग टीना को देखकर मुंह फेर लेते थे, आज सभी उससे बात करना चाहते थे। टीना के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। अनंत के माँ बाप जो टीना को काली कहकर रिजेक्ट कर गए थे, वो खुद आए कि वो टीना को बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन टीना निर्णय ले चुकी थी। आंटी आपने सही कहा था, मेरा और अनंत का कोई मेल नहीं है, गोरी लड़की ही उसके लिए फिट रहेगी। आप लोग जा सकते हैं, नमस्ते। आखिर ऐसा क्या है जो हमारे समाज गोरे रंग के ही पीछे भागता है? लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को काली रंगत होने से ज्यादा अपमान सहना पड़ता है। इंसान की सुंदरता का आकलन केवल उसके बाहरी आवरण से नहीं हो सकता। मेहनती और पढ़े लिखे इंसान का रंग रूप और सुंदरता कोई नहीं देखता। इंसान का कर्म ही उसकी असली सुंदरता है। सही मायने में आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपका साफ दिल और आपके अंतर्मन की खूबसूरती ही आपको सुंदर बनाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।